12वीं क्लास का जो अंग्रेजी का पेपर है उसको RBSC की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया गया है, और आज इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि किस तरीके से आपको इस मॉडल पेपर के अनुसार अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि आपके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त एग्जाम में हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी अनिवार्य 12वीं क्लास का पेपर किस तरीके से रहने वाला है आपका? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो कोर्स है उस कोर्स के अंदर जो बुक है आपकी फ्लेमिंगो, वो आपकी रहने वाली है 28 नंबर की। उसके बाद में विस्टास बुक है आपकी रहने वाली है 14 नंबर की। ग्रामर आपकी 8 नंबर की रहेगी। शॉर्ट कंपोजिशन आपका 4 नंबर का रहेगा, और रिपोर्ट या ट्रांसलेशन ये आपका 5 नंबर का रहेगा। लेटर आपका 6 नंबर का रहेगा, और कॉम्प्रीहेंशन फैक्चुअल पैसेज ये आपका 9 नंबर का रहेगा, और कॉम्प्रीहेंशन डिस्कर्सिव पैसेज ये आपका 6 नंबर का रहने वाला है। इस प्रकार से टोटल आपकी 80 नंबर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 80 नंबर को किस तरीके से ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा आपका वो आएगा पैसेज का। पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसी पैसेज के अंदर आपको आंसर छाट कर लिखना है, ठीक है? तो इसके अंदर क्या है कि 6 क्वेश्चन आएंगे आपके, 6 क्वेश्चन को आपको छाट के लिखना है, और 3 क्वेश्चन आपके स्पेलिंग के आएंगे। ये स्पेलिंग भी आपको इसी पैसेज से लिखनी है। तो इस प्रकार से 9 नंबर का पैसेज आएगा पहला आपका। इसके बाद दूसरा पैसेज भी आपका आएगा और इसके अंदर 6 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसमें खास बात ये है कि इसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन के साथ में आपको ऑप्शन भी देगा, 4 ऑप्शन देगा, और 4 ऑप्शन में से आपको 1 ऑप्शन सही करना है। तो ये बढ़िया है, आसान है, अच्छा है, ठीक है? तो ये 6 क्वेश्चन आपको ऐसे कैसे इसमें करने को आपका मौका मिल सकता है। फिर आपका सेक्शन बी है। सेक्शन बी के अंदर 1 क्वेश्चन आपका नोटिस का आएगा, नोटिस के अथवा के अंदर या तो रिप्लाई आएगी या फिर एडवर्टाइजमेंट आएगा, इनमें से आपको 1 करना है, ये 4 नंबर का रहने वाला है। चौथा क्वेश्चन आपका रिपोर्ट का रहेगा, और रिपोर्ट के साथ में ट्रांसलेशन भी आएगा। तो इसमें आपको ये पैसेज देगा, इस पैसेज का आपको हिंदी अनुवाद करना है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। पांचवा क्वेश्चन आपका लेटर का आएगा। तो लेटर आपके तीनों लेटर आएंगे, बिजनेस ऑफिशियल लेटर टू एडिटर और एक एप्लीकेशन फॉर जॉब, ये आप तैयार कर लें। इसके बाद में ग्रामर है आपका। तो ग्रामर के अंदर जो क्वेश्चन क्लोज का है वो आपका इस तरीके से आएगा कि इसमें आपको क्लोज का जो एक क्लोज दे देगा आपको, और एक क्लोज वर्ड दे देगा, उस वर्ड को जोड़ना है आपको, वूम को जोड़ना है, वेयर को जोड़ना है, इन दोनों के बीच के अंदर जोड़कर वापस नया वाक्य बनाना है आपको। फिर अगला क्वेश्चन आपका सिंथेसिस का रहेगा। सिंथेसिस में आपको इसमें दे रखा है कि इन दोनों वाक्य को मिलाकर क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस, और इन दोनों वाक्य को मिलाकर क्या बनाना है आपको, कंपाउंड सेंटेंस। ग्रामर के क्वेश्चन आपका प्रीपोजिशन के 2 क्वेश्चन आएंगे, और 2 ही क्वेश्चन आएंगे आपके फ्रेजल वर्ब के। तो इन तीनों में से आपको उठाकर 1 रखना है यहाँ पर। सेक्शन डी के अंदर आपका एक पैसेज आएगा, और ये पैसेज किताब से आएगा, ये अच्छा कर दिया, 6 नंबर का मैटर है, ये आराम से आप कर सकते हो। ये पैसेज आपका किताब में से आएगा और इसको छांट कर आपको इसके आंसर देने हैं। तो ये 6 क्वेश्चन आपके आराम से हो सकते हैं। 10वां क्वेश्चन आपका 80 वर्ड में क्वेश्चन आएगा, ये फ्लेमिंगो बुक से आएगा, और 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 करना है आपको। 11वें क्वेश्चन में 2 प्रश्न आएंगे, दोनों ही करने हैं आपको, 2 2 नंबर के रहेंगे, ये 20 से 25 वर्ड में करना है, यानी कि आपको 2 से 3 लाइन में आपको इसका जवाब देना है। 12वां क्वेश्चन पोइट्री से आएगा। पोइट्री के अंदर आपको रेफरेंस के साथ कॉन्टेक्स्ट करना है आपको, यानी कि कविता कहाँ से ली गई है, इसका राइटर कौन है, ये इस प्रकार से लिखने वाला है आपको। 13वां क्वेश्चन आपका 80 वर्ड के अंदर 1 क्वेश्चन आएगा, ये पोइम का होगा, 2 पोइम में से 2 क्वेश्चन देगा आपको, और इनको 1 करना है आपको। 14वां क्वेश्चन आपका पोइम में से आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों ही करने अनिवार्य है आपको। 15वां क्वेश्चन आपका दूसरी किताब से आएगा, और ये 4 नंबर का रहने वाला है, 80 वर्ड्स का आएगा ये, और 2 क्वेश्चन 20 से 25 वर्ड्स में करने हैं दूसरी किताब से, ये 4 नंबर के रहने वाले हैं। और लास्ट क्वेश्चन 17वां आपका, ये 6 नंबर के रहने वाले हैं। ये बहुत ही आसान है क्योंकि इसके अंदर आपको ऑप्शन देगा, ऑप्शन वाले क्वेश्चन जहाँ तक लगता है अगर आपने पढ़ रखा है तो आपके लिए आसान रहते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन आपके ऑप्शन वाले हैं, ये आपके विस्टास की किताब से आएंगे। तो ये 6 क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन आपके पैसेज के, और 6 क्वेश्चन ऊपर, ठीक है? इस प्रकार से 18 नंबर तो आप आराम से इसमें बिना पढ़े ही तैयार कर सकते हो, अगर आपने थोड़ा बहुत भी स्कूल में गए हो या फिर वहाँ पर तैयारी करी है, ठीक है? इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ आप सबका पेपर शुभ हो, आप सबका दिन शुभ हो, और आपका पेपर बहुत ही शानदार हो। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।